अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिस रोज़ के प्रोडक्ट के ऊपर। तो आज हम अपनी वीडियो में मिस रोज़ के जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं इनका रिव्यू करेंगे और इनको इन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, लास्ट तक देखना है और मेरे साथ रहना है वीडियो में। सबसे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मिस रोज़ के लिक्विड कंसीलर के बारे में बात करेंगे। इसकी बॉक्स पैकेजिंग बहुत अच्छी है, जितनी इसकी प्राइस है उस हिसाब से कंसीलर की पैकिंग बहुत अच्छी है और कंसीलर बहुत अच्छा है पैकिंग की बात की जाए तो। इसके बॉक्स पर इसकी सारी डिटेल मेंशन की हुई है, बार कोड भी उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने सब कुछ इस पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कंसीलर यूज़ किस लिए होता है। कंसीलर आपके जो डार्क मतलब एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आपकी अंडर आई हो गई, आपके जो पिंपल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो भी स्किन टोन हो आपने उससे एक कलर डार्क ही लेना है कंसीलर का, तो ही आपके जो पिंपल्स हैं और जो आपकी अंडर आई एरिया होता है वो तभी हाइड होगा। जब बात करें इसकी प्राइस की, प्राइस इसकी बहुत रीज़नेबल है। मुझे 300 में मिला था, लेकिन अब ये मैंने जो न्यू मंगवाया है ये मुझे 340 में पड़ा है, 340-350 में। मतलब इसके दराज पे भी जो रेट हैं वो 340-350 हैं। अगर आपने बाय करना हो तो आप दराज से कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। और लोकल मार्केट में भी मिस रोज़ का जो ब्रांड है वो ईज़िली आपको मिल जाता है। मिस रोज़ का जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे मेड इन चाइना है, मतलब चाइना में बनते हैं ये, चाइना प्रोडक्ट है। चाइना के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं और प्राइजेज इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसकी बॉटल मैंने आपको दिखा दी है, मतलब इसकी जो पैकिंग है वो बहुत प्यारी हुई हुई है और बहुत ही अच्छी है इसकी। अब हम इसका टेक्सचर चेक करेंगे कि किस टाइप का है। इसको मैं अब आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। उसका बहुत क्रीमी सा टेक्स्चर है, बहुत ही अच्छा है, लगने में बहुत स्मूथ है, मतलब ईजीली अप्लाई हो जाता है आपकी स्किन पर। आप अपने पिंपल्स पर यूज़ करें, आप अपने अंडर आई एरिया पे यूज़ करें, जहाँ पर आपको लगे कि निशान हैं आप उन पे यूज़ करें तो ये आपके मतलब जो निशान वगैरह उनको हाइड कर देता है। बहुत अच्छा है, ऑयल फ्री है और वाटर प्रूफ है। और 24 आवर्स के लिए आप इसको अपने फेस पे लगाएं तो मतलब ये 24 आवर का इसका स्टे है, ये ईज़िली आपके फेस पर रहता है। मुझे इसको एक साल से ज़्यादा हो गया है कि मैं मिस रोज़ का जो कंसीलर है वो यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले जो मेरे पास था वो मेरा ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने अब ये न्यू ऑर्डर करवाया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने तभी ये दोबारा मंगवाया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी स्किन पर बिल्कुल सेट रहता है। आपको जो भी शेड अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, मैं इसके सारे शेड्स यहाँ पर आपको दिखा दूँगी। आप अपनी स्किन के टाइप से ही मतलब देख लें, जो आपको बेहतर लगे आप वो वाला शेड लें और वही वाला यूज़ करें जो आपकी स्किन पर बेस्ट रहे। बाकी प्राइस मैंने इसकी सारी आपको बता दी है कि प्राइस इसकी अब क्या है, मतलब पहले इसकी प्राइस 200 थी, लेकिन अब ऐसा ऐसा जैसे प्राइसेस हाई हो रही हैं तो हर प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो रही है, इसकी भी सेम ऐसे ही है, अब ज़्यादा होगी, अब 340-350 में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं जी अपने मिस रोज़ की बीबी क्रीम फाउंडेशन की तरफ, जो कि बहुत अच्छी है और मैं इसको तकरीबन अभी 2-3 मंथ हो गए हैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो मेरे पास थी वो मेरे पास बी क्यूट की है, वो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं ये वाली ट्राई करूं कि ये कैसी है। तो इसका जो भी रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको उसका भी रिव्यू करवाऊंगी, लेकिन जब अभी फ़िलहाल इसका करूंगी, बाद में उसका करवा दूँगी आपको। इधर इन्होंने बार कोड भी उन्होंने दिया हुआ है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। आइटम नंबर भी उन्होंने बताया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने एक्सपायरी डेट भी मैंशन की है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप लाजमी जो होती है ना एक्सपायरी डेट देख कर लिया करें, चाहे आपने कंसीलर लेना है, कुछ भी लेना है, जो भी मेकअप प्रोडक्ट है, क्योंकि स्किन का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। स्किन आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाद जब हम एक्सपायरी चीज़ें ले लेते हैं उससे पिम्पल्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप इस टाइप की गलतियाँ ना करें, पहले प्रोडक्ट को अच्छे से देख कर उसके बाद बाय करें। ये शेड है हमारे पास फेयर, और क्योंकि मेरा शेड भी फेयर ही है तो मैंने फिर यही वाला शेड लिया, ये अच्छा था। बाकी मैंने इसको यूज़ करके देखा था, वहीं पे चेक किया था शॉप पे ही, तो मुझे ये अच्छी लगी थी, मतलब यही शेड बेस्ट जा रहा था मेरी स्किन के साथ, तो मैंने यही लिया। बाकी इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस इसकी मुझे 600 में मिली है। ये इसकी प्राइजेज डिफरेंट हैं, दराज पे आप जाएंगे तो आपको इसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट मिलेगी, आप इनकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसी तरह 6-7 में मिल जाएगी मिस रोज़ की जो अपनी वेबसाइट है।
अगर आप इसके अलावा द्रास से लेना चाहें तो आप वहाँ से ले लें, लोकल मार्केट से भी आपको इजीली अवेलेबल होगी। अगर आप जहाँ से लेना चाहें इजी रहे आप वहाँ से ले लें। बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, कुछ ट्यूब फॉर्म में ये दी हुई है इन्होंने, बहुत ही मतलब अच्छी इन्होंने पैकिंग की हुई है इसकी, बहुत ही प्यारी थी। बाकी इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, लगा के भी दिखाऊंगी कि आपको कि ये किस तरह की है। इसका पंप बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आप जैसे उसको प्रेस करते हैं तो इजीली वो निकल आती है। अब ये मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है और इजीली ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन पे। आप चाहें तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, चाहें तो अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको यूज़ करने में ईजी हो आप वैसे यूज़ करें। बाकी मैंने आपको दिखा दी है इसमें मतलब इसका टेक्सचर किस टाइप का है और ये लगने के बाद कैसी लगती है, आप देख लें, वाज़ेह फ़र्क पता चल रहा है, मतलब साफ़ पता चल रहा है कि हाथ पर कुछ लगा हुआ है। मतलब इतनी कवरेज इसकी अच्छी है, बहुत लाइट कवरेज नहीं है। कहने को तो ये बीबी क्रीम है लेकिन ये है नहीं, बीबी क्रीम्स में बहुत हल्का मतलब होता है, मतलब इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देती बीबी क्रीम्स, क्योंकि मैंने बीबी क्रीम्स भी यूज़ की हुई हैं तो मुझे आइडिया है। तो आप इसकी कवरेज देख लें, कवरेज बहुत अच्छी है। आप इसको मतलब ये जैसे पाउडर्स में यूज़ की जाती हैं उस टाइप की इसकी कवरेज है। आप इसको लगाएंगे तो आप इस पे शादी पे अगर आपने जाना है आप इसको लगाएं तो आपका मेकअप काफ़ी देर स्टे करेगा। अगर आप इसको नॉर्मली घर में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कवरेज का मैं आपको बता दूं, कवरेज बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसमें ये छोटे से पार्टिकल्स हैं जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक से कलर के, ये मैंने मतलब ऐसे तो खोल के तो आइडिया मुझे नहीं हुआ था, पहले मैंने खोल के मैं तो पंप से ही यूज़ करती थी, एक दिन मैंने इसको खोला तो मुझे आइडिया हुआ कि इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक से कुछ पॉड टाइप से हैं, पता नहीं अब ये क्या है, इसके अंदर मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जब ली थी तो मैंने इतना ख्याल नहीं किया था कि मुझे इस तरह भी चेक करनी चाहिए, लेकिन जब आप लें तो आप लाजमी चेक करके लें। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और रिव्यू जो मैंने किया वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।